हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमृत एंड वेलकम टू दोसर क्लासेस। आपने लास्ट लेक्चर में मैंने नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया और उसके बाद में उसकी एक्सरसाइज 1.1 को प्रॉपर सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 और जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 हैं उनको हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। इसमें आपके 3.3 क्वेश्चन दे रखे गए हैं, बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो अगर जब कहीं हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के लिए, तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? यस, दैट्स ट्रू। क्योंकि जब हमने आपको इरेशनल नंबर के लिए बताया था तो हमने बताया था कि देखिए, जैसे कहीं नंबर सिस्टम केस में एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करिए, कभी भी नंबर सिस्टम क्वेश्चन आए, सबसे बेस्ट तरीका है आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, पता करना हो रेशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है, इंटीजर है, जो भी है, उसके लिए बेस्ट मेथड होता है एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक, अब इसे पूछा गया है कि जितने भी इरेशनल नंबर है क्या रियल नंबर है? रियल नंबर हमने क्या बताया था, जितने भी टाइप के नंबर होते हैं सबका कॉम्बिनेशन कहलाता है रियल नंबर, आइदर नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, इरेशनल हो या इरेशनल हो। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ नंबर। तो अगर हम कह रहे हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, देन दैट्स ट्रू, बिकॉज़ रियल नंबर इज द सुपरसेट एंड इरेशनल नंबर उसका एक सबसेट होता है इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर मिला के ही हम कहते हैं रियल नंबर बनता है, देन दैट्स ट्रू। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर m is a natural number, is it true or false? पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर m एक natural number है, natural number क्या बताया हमने आपको? Means ये जो आपके positive side के जो numbers आपके होते हैं, except zero, ये number कहलाते हैं natural number। तो अगर आपसे m natural number है, तो every point on the number line is of the form root m। number line में जितने भी points हैं क्या root m के form में वो रह सकते हैं? The answer is False। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम नंबर लाइन में पॉइंट की बात करते हैं तो नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, और आपके अदर टाइप भी पॉइंट होते हैं। लेकिन किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम रूट करते हैं तो कोई जरूरी नहीं वो आपका नेगेटिव तो होगा नहीं। रूट कर रहे हैं किस सबसेट की पावर, आप अगर पावर 1/2 कर रहे हैं तो माइनस तो नहीं आएगा। और यहां पर हम क्या बात कर रहे थे, यहां पर हम कह रहे थे कि जितने भी टर्म आपके हैं अगर नेचुरल नंबर का रूट लेंगे तो क्या वो आपका नंबर लाइन पर रूट एम के फॉर्म में रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर नंबर लाइन में नेगेटिव टर्म भी हमारे आते हैं और नेगेटिव टर्म आपका रूट एम का आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए दैट्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्दर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर है क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं? देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ही जस्ट वाइस वर्सा केस है। वहां पर आपसे कहा गया कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं क्या रियल नंबर का पार्ट हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। लेकिन यहां पर जस्ट इसका रिपीट पूछा गया है, रिवर्स पूछा गया है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर है सब इरेशनल नंबर होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं रियल नंबर के केस में, तो रियल नंबर के केस में अगर हम यहाँ पहले हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं फॉल्स। अब रीजन बताते हैं ऐसा क्यों। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो रियल नंबर आपका 1/2 भी आपका हो रहा है, रेशनल नंबर आपका ये भी रियल नंबर है, आपका 2/3 भी हो रहा है। तो क्या 1/2, 2/3, 7/8 ये क्या सब इरेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर हमारे वो होते थे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। जस्ट लाइक जैसे हम बात करते हैं √2, √5, π, ये सब आपके इरेशनल नंबर कहलाते थे। तो अगर हम बात करें कि जितने भी रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वन के पार्ट आपके थे तीन, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही कही इन्होंने, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव का हम रूट नहीं ले सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर्स
का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या वो हमेशा इरेशनल आएगा? देखिए मान लीजिए हमने यहां पर अंडर रूट टू लिया, बिल्कुल सही बात है, इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट फाइव लिया, रूट फाइव इरेशनल नंबर होगा, सही था। लेकिन अगर हमने यहां पर रूट फोर ले लिया तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर टू आ जाएगा, क्योंकि रूट फोर इज अ कंप्लीट रूट। जब हमने आपको रूट के लिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया था तो हमने बताया था कोई भी सब्सटेंस अगर कंप्लीट रूट है तो वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। यहां पर अंडर रूट फोर का अगर हम इक्वल टू कर रहे हैं तो वो आपका टू आ रहा है। दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। तो यहां पर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ इरेशनल नंबर, देन यहां पर इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज अंडर रूट फोर इज इक्वल टू आपका टू और ये आपका होता है रेशनल नंबर। क्लियर? चल अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाउ द रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, रूट फाइव को आप नंबर लाइन में कैसे शो करोगे? एक्सप्लेन करते हैं। इसके एक सिंपल मेथड जो आपकी बुक में दे रखा गया है और एक और मेथड है वो भी अभी हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अगर रूट फाइव तक तो हो तो ठीक है, अगर कहीं रूट सेवन रूट नाइन रूट एट दे दिया गया तो वहां उसको ड्रॉ करना थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि रूट फाइव को आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है प्लॉट करना है तो उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पहले यहां दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपका कोई परपेंडिकुलर ट्रायंगल आपने मेंटेन किया हुआ है, जैसे इसकी साइड की बात कर ले ए बी एंड सी, ठीक, ये आपका राइट एंगल हो गया, टेन डेट केस, ये आपका बेस हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अगर बेस इसकी वन है परपेंडिकुलर वन है तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होगी? चलिए देखते हैं ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें निकालना था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना था वन में ले रखा है, वन का स्क्वायर प्लस बी सी अगेन आपका वन है वन का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा प्लस वन, मीन्स ए सी इज इक्वल टू आपका हो गया ये रूट। तो इन दैट केस अगर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कोई भी परपेंडिकुलर ट्रायंगल आपका है तो इन दैट केस जो उसका हाइपोटेन्यूज होगा उसकी लेंथ आपके रूट टू आएगी अगर उसकी दोनों साइड्स की लेंथ वन वन है। इन दैट केस आप इसी मेथड को यूज करते हुए हम नंबर लाइन पर रूट फाइव को प्लॉट करते हैं। देखिए ये हमने ड्रॉ किया एक, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन हो गया 0.1, 2, 3, इस तरीके से हम यहाँ पर ये माइनस वन माइनस टू प्लॉट करेंगे। अच्छा जीरो से वन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? वन ही है। अब इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके लिए हमने वन रखी और वन रखने के बाद में हमने जीरो से इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस को हमने यहाँ पर मैच करा दिया। तो जैसे आपने यहां मैच कराया ये वन था तो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस जो आपने मैच कराई ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी रूट टू। अभी हमने बताया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रूट टू आ गया, लेकिन आपको प्लॉट करना है रूट फाइव। अच्छा हाँ, अगर इसे रूट टू को हमें सर्किल में प्लॉट करना हो तो कैसे करते हैं? अगर हम इसको नाम दे दें ए बी और सी, तो सी बी एक हम कंपस में एक आर्क लेते और आर्क लेने के बाद में हम यहां पर इसको टच करा देते हैं और ये आपका रूट टू प्लॉट हो जाता। चलिए लेकिन हमें वहां प्लॉट करना था रूट फाइव को, पहले हम रूट, आप देखिए इस बी सी लाइन पर एक परपेंडिकुलर को हमने फिर से ड्रॉ कर दिया, इसके लिए फिर से हमने वन रखी और वन रखने के लिए बाद में अब हमने इसको मैच करा दिया इस पर्टिकुलर सी पॉइंट से। यहां पर देखिए बी सी इज अंडर रूट टू और अगर हम इसको कहते हैं डी पॉइंट और सी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू वन, तो बी डी इज इक्वल टू वन, तो सी डी कितना होगा? चलिए देखते हैं यहां पर सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस बी
डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी का स्क्वायर कितना हो गया रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर टू वन स्क्वायर वन और ये आपका हो गया सी डी का स्क्वायर। तो यहां से आपका हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू रूट थ्री मीन्स सी डी की डिस्टेंस यहां से आपकी आ जाएगी रूट थ्री। अब हमें रूट थ्री को प्लॉट करना हो तो क्या करते हैं हम रूट थ्री को यहां से सी से डी एक आर्क ले लेते और इसको हम इस तरीके से यहां पर प्लॉट कर लेते हैं हो जाता है रूट थ्री। रूट फोर को प्लॉट करना होगा सेम काम आप करोगे इस सीडी लाइन पर एक परपेंडिकुलर अगेन हमने ड्रॉ किया ड्रॉ करने के बाद में इसको हमने सी से मैच करा दिया और ये डिस्टेंस फिर अच्छा और इसको हमने कह दिया पॉइंट को ई यहाँ पर ई डी जो है ये आपका वन होगा और फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको दिखेगा सी ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट फोर या रूट फोर को आप डायरेक्टली कह सकते हो टू। अब फर्दर नेक्स्ट पॉइंट हम इसके आगे और बढ़ते हैं इसी चीज को रिपीट करते जाना है सी डी को पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन हमने एक और ड्रॉ कर दी ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी इसको मैच करा दिया हमने सी के साथ में ये बन गया पॉइंट हमारा एफ अगेन हमने ई एफ को वन लिया और जब हमने फिर से यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाई एस सी ई एज अ बेस अब देखिए यहां पर हमने क्या लिया पाइथागोरस थ्योरम इसको देख लीजिए क्योंकि यही आपका बेसिक मेन पार्ट था। तो यहां पर हम देख रहे हैं सी ई एफ तो सी ई आपका है रूट फोर ई एफ वन और जब आप यहां सॉल्व करोगे तो सी एफ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट फाइव इसी को ही हमें नंबर नाइन पर प्लॉट करना था। अब हमने क्या किया जैसे हमारा रूट फाइव आकर आ गया इस एफ पॉइंट को लिया सी एफ एज हमने आक ली और इसको हमने अब प्लॉट कर दिया ये हमारा यहां कहीं प्लॉट हो जाएगा तो ये डिस्टेंस जो हमारी आ जाएगी ओ और ये मान लेते हैं हम कहते हैं एफ जी ओ जी डिस्टेंस जो आपकी होगी यही कहलाएगी रूट फाइव लेंथ इन नंबर नाइन। तो ये एक सिंपल मेथड है कहीं पर भी आपसे कहा जाए किसी पॉइंट को अगर नंबर लाइन प्लॉट करना है तो आप वन आफ्टर अदर परपेंडिकुलर लेते जाइए परपेंडिकुलर लेने के बाद में उस पर्टिकुलर लाइन को वहां पर आप प्लॉट कर सकते हो। तो ये तो आपका एक मेथड हो गया रूट फाइव को नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए क्लियर जल्दी से बाकी चीजों को रफ करते हैं क्योंकि आपकी एक्सरसाइज का यहां पर पार्ट हो चुका है। अब हम एक मेथड आपको जल्दी से और बता देते हैं कि कहीं पर अगर कोई आपका लेंथी क्वेश्चन आए तो आप कैसे प्लॉट करोगे। मान लीजिए अगेन आपको प्लॉट करना था तो हमने यहां पर लिया है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी इसको हमने कह दिया पॉइंट को ए जितनी की अगर रूट फाइव को प्लॉट करना था तो ए बी की लेंथ हमने फाइव ले ली और बैक साइड में हमने यहां सी तक बढ़ा दिया और बी सी की लेंथ हमने वन ले ली ठीक। ए सी जो डिस्टेंस थी इसका हाफ पॉइंट कहां पर होगा ए सी के अगर हम हाफ पॉइंट की बात करते हैं तो ए सी का हाफ पॉइंट आपका आ जाएगा ये यहां पर इसको हमने कह दिया ओ। अब ओ ए हमने डिस्टेंस ली इसको हमने प्रोडक्ट कंपास पे लिया और इसके रिगार्डिंग हमने एक यहां पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी ओ ई मान लीजिए हमने कह देते हैं ठीक। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो वहां से आपको शो होगा कि जो ओ ई जो लेंथ आपकी आ रही है ये बेसिकली जस्ट अ मिनट एक मिनट ये आपने इसको प्लॉट किया और ओ से ओ ए आते हैं आपने प्लॉट किया और आपने यहां से इसको मैच करा दिया बी पॉइंट से। अब जब आप यहां पर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो बी पॉइंट आपका है ये बी ई पॉइंट जो आपका है इसकी लेंथ हमेशा रहेगी रूट फाइव। एक मेथड ये भी है अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन की पास चाहिए कि कैसे आपको हो सकता है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे जल्दी से आपको समझा देते हैं एक बार। मान लीजिए हमने यहाँ पर आपसे कह दिया ए बी इज इक्वल टू हमारा है फाइव बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा है वन और ओ ए या ए ओ आप कह लीजिए ए ओ हमारा हो जाएगा AO कितना हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस ही हमारी 5 5 प्लस 1 6 और 6 बाय 2 ये आपकी हो गई 5 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू आपका हो गया 3 ठीक। अब यहां पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम
ट्रायंगल ले लिया हमने ओबीई, ट्रायंगल ओबीई, ट्रायंगल ओबीई में जब हम देख रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, ओई का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ओबी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर, ओबी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओबी का स्क्वायर कितना होगा, ओबी इज इक्वल टू आपका होगा ओए के बराबर, क्योंकि ये आर्क है आपने ले रखा है। तो ओई बराबर आपको कितना निकाला था यहां पर, एओ कहिए या इसको आप कह दीजिए ओई के बराबर है आपका। तो ये आपका हो जाएगा थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी, ओबी, अच्छा ओबी डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल थी आपकी फाइव, फाइव में ये हो गया थ्री, तो ये कितना हो गया टू, ये आपका टू का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर। तो अब यहां पर बात करते हैं थ्री थ्री सा नाइन इज इक्वल टू फोर प्लस बीई का स्क्वायर, मींस यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा बीई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव, मींस चलिए मैं तो कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि मैं थोड़ा मिस हो रहा हूं, मींस यहां से आपका आ गया बीई इज इक्वल टू रूट फाइव, ये रूट फाइव आ गया, देखिए रूट फाइव ने प्लॉट कर दिया। कहीं पर भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी भी सेक्शन का रूट प्लॉट करना हो उतनी डिस्टेंस की आप लीजिए वन उसमें ऐड करिए, हाफ पॉइंट लेके आर ड्रॉ करिए और जो भी आपका पॉइंट था जो फाइव डिस्टेंस पहले आपने ली थी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, उस पर्टिकुलर सेक्शन का रूट को वो प्लॉट कर देगा। आई थिंक समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच।